सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया। वो बहुत गरीब था। उसने रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, जिस दिन रोटी ना मिले भूखा सो जाता हूँ, बच्चे भी भूखे सो जाते हैं, मैं क्या करूँ? रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, तुम्हारे पास कुछ है? उस आदमी ने कहा, मेरे पास एक प्याला और एक चादर है। तब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोनों चीज़ें मेरे पास ले आओ। वो आदमी प्याला और चादर रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आया। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों चीज़ें बेच दी। जो पैसे मिले इन्हें उस आदमी को देकर कहा कि बाज़ार जाकर एक कुल्हाड़ी ले आओ। वो आदमी कुल्हाड़ी लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक से उसमें दस्ता लगाया और फिर फरमाया, जाओ हर रोज़ जंगल में जाकर इससे लकड़ियां काटो और इनको बेचकर अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालो। 15 दिन बाद फिर आना और मुझे अपना हाल बताना। गरीब आदमी 15 दिन बाद फिर आया और कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत खुश हूँ, लकड़ियाँ हर रोज़ बिक जाती हैं, मेरे बच्चे भी खुश हैं, सभी घर वाले भी खुश हैं, अब सब पेट भर कर खाते हैं। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी बातों से बहुत खुश हुए, इसको दुआ दी। वो आदमी थोड़े ही दिनों में खुशहाल हो गया। मेहनत में बड़ी बरकत होती है। सुभानअल्लाह।